हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक रोस्टिंग की वीडियो की रिएक्शन वीडियो है। इस वीडियो का नेम है बॉलीवुड की आंटी राखी सावंत, गरीब चैनल की ये वीडियो है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इस पे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इस पे मेरा रिएक्शन। मेरे को मेरी पापी बेटर नहीं। अरे मैडम, को कुछ जीवन के कोटे चुसाया करती का प्रेशर बनेगा तब नहीं। पहले के जमाने में कहा जाता था कि नेक करो और दरिया में डालो, लेकिन आजकल तो सीन ही अलग है। करती को और सोशल मीडिया पे डालो, वायरल हो जाओ। आज हम लोग बात करेंगे राखी सावंत के बारे में, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंटी ऑफ बॉलीवुड। यार ये औरत चलता फिरता एकता कपूर का सीरियल है, ड्रामा और कैंसर के अलावा वो कुछ नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, 3 2 1 गो। ओ मैं मेरा लाइक लो। तुम्हें टट्टी नहीं आ रही तो इसमें माइक टाइसन क्या करेगा? नहीं यार, वो बॉक्सर है, तुम्हारे छेद में फंसे मुन्नू को निकालने का ठेका नहीं ले रखा। और ये अपने थुलथुले पेट को ड्रम की तरह क्यों बजाया जा रहा है? नहीं क्या पॉटी से बोल रही हो? नॉक नॉक प्लीज कम आउट। तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मेरी पॉटी भी नहीं आने वाली है। जब तक माइक टाइसन नहीं आएगा मैंने वो टट्टी नहीं आएगी। क्यों भाई, वो माइक टाइसन है, टाइजिन थोड़ी। और वैसे भी आप तो मुंह से भी हग लेती हो तो तकलीफ क्या है? देख भी लिया, अंधेपन में दर्द ऐसा दिया कि छेदी सील हो गया। अब छेदी सिंह को बुलाओ, छेद करेंगे दूसरा। तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया। मैडम जुलाब और जादू में फर्क होता है, अभी जो आपको हुआ उसे कहते हैं जुलाब, ठीक है? Not coming, when you coming, then what is coming? When you come, then what is come? Why you raping me, Rakhi? Tell me why? यार ये वही लोग होते हैं जो शेक्सपियर को जिंदगी भर शेक्सपियर और वॉटर को माठर बोलते हैं। हमारे देश में ना बहुत ही दिलदार लोग रहते हैं, सब कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं। जैसे कि पप्पू ने दिमाग डोनेट किया, जनरल कैटेगरी वालों ने आईटी के सीट डोनेट की, वैसे ही राखी सावंत भी कुछ डोनेट करना चाहती है, और वो है बबले। आई रियली वांट टू डोनेट माय बूब्स। पर मैडम बबले डोनेट करोगी कैसे? मेरा दूध की तो थैलियां है नहीं कि यहाँ से निकाला वहां फिट कर दिया। और सपोज सुनो, सच में अगर कोई डोनेट कर सकता है तो सबसे पहले तो सोनू दीदी बारी बारी आएगी। सोचो कभी सनी दीदी ने ऐसा डोनेशन का सोचा तो क्या होगा? पूरे दुनिया में दूध की कमी नहीं होगी 69 इयर्स तक। यार ये एज वाली पप्पी आप लिखा के लिए संभालिए, रखो हमें ना दो प्लीज। अरे मैडम अच्छा की आप एक ही हो, एक राखी सावंत तो इंडस्ट्री संभाल नहीं पा रही, दो होता तो इंडस्ट्री के चार चांद के जगह चार फंसे लग जाते। अरे क्या स्पाइडरमैन की बहुत बड़ी फैन होगा? जाला ही पहन लियो। पता नहीं कहाँ जा रही? नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं है। मैं जा रही हूँ ताज लैंड सैंड। क्या कहाँ जा रही हो? ताज लैंड, लैंड सैंड। अभी वो ताज लैंड सैंड है क्या? लैंड सैंड लगा रखा तब से। और आज के बाद मेरी पॉटी भी क्लियर हो जाएगी। ये क्या तो था ला ठीक है, मैं भी जा रही। यार ये सब चुम्मा देना के सिग्नेचर है, पूरे वीडियो में तो कैंसर दिया ही दिया, लास्ट में एक जोड़ी चुम्मी देना जरूरी है क्या? अगर तुम्हें पता ना होगा तो राखी और सनी के भाई 36 का आंकड़ा है, मतलब सनी अगर एक दिन टट्टी भी ना करे तो राखी को उंगली करना जरूरी हो जाता। और ये वो वाली उंगली नहीं जो सनी के वीडियो में की जाती है, ना 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 ना, इस उंगली में ऑनलाइन उछल मारी जाती है। जो मैं कर सकती हूँ सनी लियोन में नहीं कर सकती, और वो जो करती है मेरा मतलब ये है मैं नहीं कर सकती, तो मैं हार गई। हाँ यार राखी सावंत आप कर सकती है और सनी लियोन चुदा पहले स्पीक कर सकती है। मतलब वो चूस सकती है, आप भी चूस सकती है। और तू चूस सकता है, चूसवा नहीं सकता। राखी सावंत आई हूँ लीला को गीला करने। अरे उस लीला ने पूरे देश के ना जाने कितने लौंडों की चड्डी गीली की, और तुम उस लीला को गीला कर दोगी? देख टैलेंट देख रहे हो आंटी का? तुम्हारी वजह से हम लोगों को ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, बिकॉज हर कोई यही डिमांड कर रहा है, यू नो आई रियली डोंट लाइक। नहीं पसंद है तो ना पहनो ना, पहनने क्यों कर रही हो मैडम? टैलेंट नंगे होने में नहीं, एक्टिंग और फेस एक्सप्रेशंस में होते हैं। क्या बात है, राखी सावंत है तो पहन ली, बट मैं नहीं चाहती कि कोई और इंडियन लड़की ये सब कुछ ऐसा कुछ पहने। ये नहीं चाहती कोई और लड़की पहने, इसलिए ये पहन रही है। मतलब अगर लॉजिक एक इंसान होता और वो जिंदा होता ना, तो कसम से वो कहता फालतू का तू मेरी ना। रियो मैडम कौन सा का सामना करने आई हूँ? ऐसा है ना, तो रास्ते में चलती कुतिया भी सबको पसंद आती होगी, हाउसी लौंडे तो वहीं जाके डाल देते हो।
जनता का दिल डेफिनेटली नहीं। अरे मैडम, लॉलीपॉप खाने के लिए लॉलीपॉप अवेलेबल भी तो होना चाहिए। मिक्का भैया तो उर्वशी के पास है। यार किस्मत देखो यार, नहीं यार, अगर एक बंदे की किस्मत हो तो मिक्का जैसी हो। राखी सावंत से सीधा उर्वशी लौटेला, नहीं यार कुतुब मीनार से सीधा बुर्ज खलीफा। देखिए आपको देना तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए। काजल वाले लंडे बड़ा गूगल किया सनी लियोन पिंक पिंपल, शक्ल से तो मीठा लगता है, ये सब कब से पाल रहा है बे? ऑन गूगल स्पेशली तो आपको उनका वो टैलेंट देखने में। ओ देखते हैं ये मैडम मेकअप इतना लगे, कसम खुदा की और एक बाल्टी पानी मार के देखो, अंदर से कंजूरिंग वाली चुड़ैली बाहर आएगी। और यही नहीं मैडम, समाज सेवक भी है, देश में सुसाइड कम करने के लिए मास्टर प्लान बनाया था इन सब ने। सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता। पर हमारे देश में तीन टाइप का गंदे मिलेगा आपको, एक हार्ड, एक लाइट और तीसरा राखी सावंत। और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। क्या तकलीफ है भाई? इस कैंसर औरत ने अपना स्वयंवर रचाया था, वो भी टेलीविजन पर। और इन्होंने एक ऐसा शो होस्ट किया था जिसका नाम था राखी का इंसाफ, जिसमें इंसाफ के नाम पर परोसा जाता था कैंसर। और इन दो शोज में इतना कंटेंट है कि मैंने सोचा आज इस वीडियो में नहीं लेते हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट कैसी लगे कमेंट करो, तभी तो भाई की चलेगी। और कमेंट करके ये भी बताना कि राखी का इंटरव्यू राखी का स्वयंवर में वीडियो बनाओ या ना बनाओ। और हाँ यार, हमारे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यार, जल्दी में फेस कैम प्लान अनाउंस कर दूंगा या तो इंस्टाग्राम पे, या देखता हूँ शायद नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूंगा। तो तब तक के लिए सपोर्ट करते रहो, कमेंट करो, तभी तो भाई की वीडियो चलेगी। क्या बात है, वेरी नाइस, ऑसम, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बहुत ही कमाल की बेहतरीन किस्म की वीडियो थी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर थी। और ये वीडियो का कोई मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि राखी सावंत को डिफेम करना, बदनाम करना या बुरा भला कहना या मतलब दिखाना, क्योंकि जो कि ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी और ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाई गई। और मैंने भी ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखी और काफ़ी कमाल की थी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर थी। एक एक डायलॉग और एक एक चीज़ जो मतलब इस वीडियो में दिखाई गई, पिक्चर्स दिखाई गई, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ बहुत ही कमाल की थी, फुल ऑन जैसे आप कह लेना, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की। और मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा था, क्योंकि देखते देखते दिलचस्पी बढ़ रही थी। और गरीब चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी बहुत ही कमाल की होती हैं, बहुत ही टैलेंटेड ये शख्स हैं और बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का काम करते हैं, जो कि बहुत ही आला और उमदा तरीन तरीके का होता है, दूसरों से हटकर होता है। और बहुत ही आप कह लें, जैसे कि आप इनकी कोई भी वीडियो देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इनकी वीडियोज़ इस तरह की होती हैं कि आप बार बार भी देखें तो आपको इतना ही मज़ा आएगा जितना कि पहली बार, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हैं। और जो चीज़ें उसमें दिखाते हैं, जो डायलॉग होते हैं, जो फ़नी डायलॉग आप कह लें, पंच लाइनें या फिर जो मतलब जिस हिसाब से, तो सब कुछ बहुत परफेक्ट होती हैं, जिसे आप कह लें कि फुल तफरीह के मौके फराहम करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इस वीडियो के अंदर राखी सावंत के हवाले से इन्होंने बनाई थी और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह की और काफ़ी सारी वीडियोस राखी सावंत की दिखाई, जो कि काफ़ी कमाल की थी। और आजकल राखी सावंत जो है इंस्टाग्राम और इसके अलावा सोशल मीडिया की दूसरी वेबसाइट्स पर क्लिप्स वगैरह बना के लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, जैसे कि दीपक कलाल और पाकिस्तानी जो है कंदील बलोच किया करती थी, और इसके अलावा दीगर और लोग भी हैं, नासिर खान जान वगैरह वगैरह, काफ़ी का मतलब डिटेल लंबी है, जो कि इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को एंटरटेन करते हैं और तफरी के मौके फराहम करते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं और फेमस होते हैं। तो आजकल राखी सावंत इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी यूनिक किस्म की बात है कि कोई सेलिब्रिटी इस तरह का कर रही है वाओ, और जो कि लोग इनकी वीडियोस काफ़ी देख रहे हैं, वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग में जा रही है, फेमस हो रही है, तो ये कर रही हैं एज एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और ओवरऑल मज़ा आया इस वीडियो को देख के, बहुत ही परफेक्ट किस्म की वीडियो थी, सुपर मज़ा ही आ गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।